हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है हमारे एप्पल फ्रूट में लगने वाली एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में जिसकी वजह से मार्केट में हमारे फ्रूट को अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। इस बीमारी का नाम है स्कैब, जो कि एक फंगल डिजीज है। इस बारे में चर्चा करने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपके फायदे के कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी स्किप हो सकते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं स्कैब की, जो कि एक फफूंद जनित रोग है। इसके जो सिम्टम्स रहते हैं वो फ्रूट पे काले दाग और धब्बे पड़ते हैं, और जिसकी वजह से हमारे एप्पल फ्रूट की वो वैल्यू नहीं रह पाती। तो इसलिए यदि शुरुआती समय में हमने इस बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं किया तो आगे चलकर इस पर काबू पाना आसान नहीं होगा। तो आजकल हमारे मैक्सिमम सभी बागवान भाई बारंबार फंगीसाइड के पीछे ही भाग रहे हैं और अपने आस पड़ोस में हर कहीं हर किसी से यही पूछ रहे हैं कि स्कैब के लिए सबसे अच्छा फंगीसाइड कौन सा है। तो यदि आपको कोई बता भी दे कि आप स्कैब के लिए ये वाला फंगीसाइड यूज करो और आपके बगीचे में स्कैब 100% कंट्रोल हो जाएगी, तो मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी फंगीसाइड आज तक बना ही नहीं है जो स्कैब को ये कह सके कि इससे 100% कंट्रोल होगा। तो ऐसा कोई भी स्पेसिफिक फंगीसाइड नहीं बना जो स्कैब को 100% कंट्रोल करेगा। तो 80 के दशक में हिमाचल प्रदेश में इस बीमारी से सभी बागवान भाई परेशान थे और पिछले कई सालों से कश्मीर के बागवानों को परेशान किया है। कश्मीर में फंगीसाइड का कारोबार 10 करोड़ से 60 करोड़ पहुंच गया है, उसके बावजूद भी वो लोग स्कैब पर कंट्रोल करने में नाकामयाब हुए हैं। तो हम किन किन कारणों से, किन किन तरीकों से स्कैब को कंट्रोल कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम समर में स्कैब को कंट्रोल करना बिल्कुल भी नामुमकिन है, तो इसलिए इसको आप विंटर में ही कंट्रोल करना शुरू करें। सबसे जरूरी जो पार्ट होता है वो होता है पतझड़ के समय का। जो पत्तों पर इन्फेक्शन होता है वो पत्ते झड़ने के बाद नीचे पत्तों पर ही आ जाता है। तो जो ये स्कैब के स्पोर्स हैं, जिसको हम बीज कह सकते हैं, जिसको हम अंडा कह सकते हैं अपनी भाषा में, ताकि हमारा हर किसान और बागवान इसको समझ सके। तो जो ये स्पोर्स हैं, जो ये बीज है, जो ये अंडा है स्कैब का, ये पत्ते गिरने के साथ नीचे जमीन पर आ जाते हैं और सर्दियों में वहीं पत्तों पर पड़े रहते हैं और नेक्स्ट ईयर के इन्फेक्शन की तैयारी करते हैं। तो हमें इसका नियंत्रण भी इन गिरे हुए पत्तों से ही करना चाहिए। तो इसमें हमें 10 से 15 किलो यूरिया 200 लीटर का घोल बनाकर नीचे पूरे अपने बगीचे के फ्लोर में इसका स्प्रे करें, क्योंकि यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है और हम हाईली डोज नाइट्रोजन से इसको नष्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जब प्रूनिंग का समय आएगा, उस समय हमने अपने जो प्रूनर है उनसे आपने अच्छी तरह से प्रूनिंग करवानी है, ताकि हमारे प्रॉपर प्लांट को सनलाइट मिल सके, क्योंकि फंगस को कंट्रोल करने के लिए हमारी सनलाइट का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो उसके बाद आपने मार्च में जब बड ब्रेकिंग होती है या सिल्वर स्टेज के आसपास का टाइम होता है, उस वक्त हमारी जो जमीन, बगीचे की जो जमीन होती है, जो उस पर नीचे छोटी छोटी घास उगती है, उस वक्त आपने फिर से ये यूरिया का डोज फिर से डालना है, क्योंकि नीचे जो फ्लोर पे थोड़े बहुत बचे हुए जो स्पोर्स होंगे
ताकि वो भी नष्ट हो सके। और जो सिल्वर टिप जब होगा वो मार्च के समय, तो उस वक्त आपने बोडो मिक्सचर का स्प्रे भी ऊपर जरूर करना है फॉलियर स्प्रे से, क्योंकि हमारे जो प्लांट पर कहीं टूटी फूटी टहनियां हैं या फिर कहीं छाल के नीचे या फिर किसी कोने में जो स्पोर्स बचे हुए होंगे, ये बोडो मिक्सचर का स्प्रे करने से वो उनको भी वहां साफ कर देगा। उसके बाद आपने यही नहीं रुकना है, उसके बाद जब अपनी ग्रीन टिप से लेकर अपने पिंक वर्ड तक की स्टेज आती है, उस वक्त आपको फिर से एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का स्प्रे करना है, क्योंकि ये जो समय रहता है इस समय हमारे जो स्कैब के जो स्पोर्स हैं वो आस पड़ोस के बगीचों से आने चालू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पिंक वर्ड से जो ग्रीन टिप से जो पिंक वर्ड तक का जो समय रहता है, इस वक्त अल्टरनेरिया और मार्सोनिना के स्पोर्स नहीं आते हैं, लेकिन स्कैब के स्पोर्स इसी टाइम आते हैं और ये हवा में एक दूसरे के बगीचे में आसानी से फैल जाते हैं। तो हमें इसके लिए इस टाइम एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड जो मैंने आपको बताया ग्रीन टिप से पिंक वर्ड की स्टेज के बीच में आपने एक ये स्प्रे करना है, और इसके बाद आपने अपने आस पड़ोस में सभी लोगों को मोटिवेशन करना है, और जितने भी आपके जानकार हैं आप उनको ये कहें कि ये कोई एक सिंगल इंसान की लड़ाई नहीं है कि हम इसको स्कैब को कंट्रोल कर सके, हम सबको मिलकर एक साथ इस प्रोग्राम को करना होगा, इस शेड्यूल को करना होगा, तभी हम स्कैब पे कंट्रोल पा सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर स्कैब फिर से आपके बगीचे में आएगी और फिर हम अपने बगीचे को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसलिए हम सब मिलके चलेंगे और हम इस प्रोग्राम को सब मिलके करेंगे तो हम